डॉक्टर राव कहाँ रहते हैं? आसानी से मिला ना जी हाँ। जा बिल्कुल, ये ताजमहल तो नहीं है मगर चलेगा। चलो मुल्ला संभल के। क्या ये जरूरी है कि जो आप तक करते आए हैं वही ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सबकी संपत्ति होगी। गंगानाथ डेयरी तो एक ही आदमी की निजी संपत्ति है, आपकी नहीं, मिश्रा की। उससे फायदा कौन उठाता है? मिश्रा। मगर सोसाइटी से सब मेंबर लोग फायदा उठा सकेंगे। सोसाइटी हो तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। दूध सीधे सरकारी डेयरी पहुँचाया जाएगा। सरकारी डेयरी यहाँ से 40 माइल दूर है। हाँ, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी ट्रकों का प्रबंध भी हो जाएगा। 7-8 गांव का दूध मिला के एक ही ट्रक में भेजा जाएगा। ये हमारा मिश्रा जी को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इससे उसका फायदा कम होगा और आप सब लोगों का फायदा बढ़ जाएगा। साहब, अपने सोसाइटी में कौन भर्ती हो सकता है? कोई भी जिसके पास कम से कम एक गाय भैंस हो। ज्यादा जानवर वालों का हक भी ज्यादा होगा? नहीं, सबके हक बराबर होंगे। सारे मेंबर मिलकर एक कमेटी का चुनाव करेंगे जिसका काम होगा दूध जमा करना, टेस्ट करना, हिसाब किताब रखना। इस कमेटी का एक प्रमुख होगा जिसका चुनाव भी आप लोग ही करेंगे। हमारे सरपंच के पास पूरी 25 भैंसियों है, 25 तो प्रमुख एमनेट बनाना चाहिए। यह फैसला तो चुनाव से ही होगा। डॉक्टर साहब, मैं 15 वर्षों से ही गांव में सरपंच हूं। मेरे कहने पर ही यहां सोसाइटी बन रही है। मारा मां और इन मां कोई फर्क नहीं। सरपंच जी, कोऑपरेटिव में अमीर गरीब ऊंच नीच का फर्क नहीं होता। ये सब कहने नहीं बातें, सब ऐसे ही भाषण देते हैं। पर साहब, हम तो हरिजन होते हैं। यानी हरिजन होकर तुम सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। अधिकार अधिकार हमें नहीं जानते साहब, कर्ज दिलाओगे तो बात करो। साहब घबराना नहीं, हम तुम्हारी पार्टी का वोट देंगे। जरा चुप हो जाइए। हमसे किसी को कर्जा नहीं मिलने वाला है और ना ही हम किसी पार्टी की ओर से वोट मांगने आए हैं। कर्ज नहीं दिलाओगे तो तुम्हारी सिसोटी किस काम की? साहब, हम सब गरीब मानस है, पैसा तो चाहिए ना। पैसा नहीं देते तो पची दड़ा दड़ा। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुम्हें औरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आखिर तुम भी तो इंसान हो। अपनी मेहरबानी साहब, पर बातों से गरीबी कमती होती क्या? हमेरी समझ में एक बात आती है, रुकड़ा और कुछ नहीं। मिश्रा मेरे को कर्जा देता है, तुम दिलवाओगे? लगता है हम जो कुछ कह रहे हैं वो तुम्हारे समझ में नहीं आया। समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अबे मैं भी कहीं बोलूं? क्या है? मार ख्याल से तुम शहर वाले सब चोर बदमाश हते। क्या मतलब? जो तमेरी समझ में आ गया वही मतलब। हम तुमको पहचान गए, समझे? हमेरी एक खटपटी अहियां नहीं चलने वाली।